हेलो स्टूडेंट्स, वी आर लाइव नाउ। वेलकम टू SIS ऑनलाइन क्लासेस। आई एम अंकित भट्ट एंड आई एम गोइंग टू कंटिन्यू विद चैप्टर नंबर 6, कम्बस्टन एंड फ्लेम्स। ओके, सो स्टूडेंट्स, आज एक्सरसाइज डिस्कस करेंगे इस चैप्टर की। चैप्टर कंप्लीट हो चुका है आपका, सो स्टार्ट करते हैं। एक छोटा सा वीडियो आज देंगे क्योंकि आप पहले भी आपके ख़त्म हुए कल से, सो बोर आप ना हो, ठीक है। सो स्टार्ट करते हैं। द टाइप ऑफ कंबस्टन इन विच हीट, लाइट एंड साउंड इज प्रोड्यूस्ड इज, जिसमें हीट, लाइट और साउंड तीनों चीज़ें प्रोड्यूस होंगी, वो कौन सा कंबस्टन होगा? एक्सप्लोजन। कंबस्टन टेक्स प्लेस विच इवोल्यूशंस ऑफ हीट, लाइट एंड साउंड। ओके, हीट, लाइट, साउंड इन्वॉल्व होगा, सो दिस इज एक्सप्लोजन। डैश हैज द हाईएस्ट कैलोरीफिक वैल्यू, सो वुड हैज द हाईएस्ट कैलोरीफिक वैल्यू। अगर यहाँ पे आप कैलोरीफिक वैल्यू देखेंगे तो सबसे ज़्यादा हाइड्रोजन की होती है, हाइड्रोजन के बाद वुड की होती है। ओके, LPG, मेथेन और कोल, ये सब नीचे टेबल में है। गुड फ्यूल शुड हैव, एक अच्छा जो गुड फ्यूल होगा उसकी हाई कैलोरीफिक वैल्यू होगी। ओके, जितनी ज़्यादा कैलोरीफिक वैल्यू हाई होगी वो उतना अच्छा गुड फ्यूल होगा। ओके, द ल्यूमिनस जोन ऑफ अ कैंडल फ्लेम इज द मिडिल जोन, जो ल्यूमिनस जोन होगा वो कौन सा होगा, मतलब हॉटेस्ट जोन, ल्यूमिनस मीन्स हॉटेस्ट जोन जो होगा कैंडल का वो कौन सा होगा, मिडिल जोन। ओके, विच फॉस्फोरस कैचेस फायर एट रूम टेम्परेचर बिकॉज इट हैज लो इग्निशन टेम्परेचर। वाइट फॉस्फोरस जो होगा कैच फायर ईजिली कर लेगा रूम टेम्परेचर पे, मीन्स इसका इग्निशन टेम्परेचर क्या है, लो। इन अ सोडा एसिड फायर एक्सटिंग्यूशर कार्बन डाइऑक्साइड इज प्रेजेंट, जो सोडा एसिड होता है फायर एक्सटिंग्यूशर्स का आग बुझाने के लिए, उसमें कार्बन डाइऑक्साइड जो होती है सॉलिड फॉर्म में फिल होती है। ओके, सो ऑप्शन नंबर 1 FIV में आते हैं। इनकम्प्लीट कम्बस्टन ऑफ हाइड्रोजन प्रोड्यूसेस, पेज नंबर 92 में जब आप देखेंगे जाके, सो आपको यहाँ पर एक लाइन मिलेगी। इन द केस ऑफ इनकम्प्लीट कम्बस्टन हाइड्रोजन बर्न इन लिमिटेड सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन O2 एंड CO2 इज प्रोड्यूस अलॉन्ग विद अनबर्न्ड कार्बन। ओके, सो ऑप्शन इज अनबर्न्ड कार्बन, UNBURNT, अनबर्न्ड कार्बन, CARBON। ओके, सो आई थिंक इतनी बात सभी को समझ में आ गई होगी। ओके, डैश इज इसेंशियल फॉर कंप्लीट कंबस्टन ऑफ फ्यूल्स, तो ऑक्सीजन जो होती है सबसे ज़्यादा उसकी एसेंशियल होती है, विदाउट ऑक्सीजन फ्यूल्स जो होगा कंबस्टन नहीं करेगा। द लोवेस्ट टेम्परेचर एट विच अ सब्सटेंस कैचेस फायर इज कॉल्ड द इग्निशन टेम्परेचर। अगर आप यहाँ पे इग्निशन टेम्परेचर्स में जाएंगे, सो फर्स्ट लाइन जब आप रीड करेंगे, सो इग्निशन टेम्परेचर इज द लोवेस्ट टेम्परेचर एट विच अ सब्सटेंस कैचेस फायर। ओके, सो इग्निशन टेम्परेचर द हॉटेस्ट रीजन ऑफ अ कैंडल फ्लेम इज, अभी मैंने ऊपर डिस्कस किया है, आउटर जोन। द ब्लू कलर फ्लेम ऑफ कैंडल इज ऑल्सो भी, आउटर जोन को ब्लू जोन भी बोला जाता है। जब आप ये देखेंगे, आउटर जोन और ब्लू जोन एक ही चीज़ है, ठीक है। फायर प्रोड्यूस्ड बाई ऑयल कैन नॉट बी कंट्रोल्ड बाई, अगर ऑयल फायर को कैच कर लेगा, प्रोड्यूस करेगा, तो उसको वाटर से कंट्रोल करना मुश्किल होता है। ओके, नहीं किया जा सकता है। मैचिंग ऑक्सीजन सपोर्टर ऑफ कंबस्टन केरोसिन, डोमेस्टिक फ्यूल्स। इनकम्प्लीट कंबस्टन ऑफ कोल कार्बन मोनोऑक्साइड, एसिड रेन,
NOT and nitric oxide and sulfur dioxide. So NO2 and SO2, and white phosphorus is spontaneous combustion. Okay, true false. State whether the following statements are true or false. Rewrite the incomplete statement. So water is most suitable fire extinguisher for oil and petrol. So false. अभी इसका एक ये देखिए लास्ट वाली है, फाइव विधि. फायर प्रोड्यूसर्स बाय ऑयल कैन नॉट बी कंट्रोल्ड बाय वाटर. ओके, सो वाटर इज मोस्ट सुटेबल फायर एक्सटिंग्विशर्स फॉर ऑयल एंड पेट्रोल. सो नो, फॉल्स. इग्निटेशन टेम्परेचर ऑफ केरोसिन ऑयल इज लोअर देन दैट ऑफ वुड. सो ट्रू. इनकम्प्लीट कम्बस्टन ऑफ फ्यूल्स गिव पॉइजनस कार्बन मोनोऑक्साइड गैस. ट्रू. लो कैलोरीफिक वैल्यू इज द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ गुड फ्यूल्स. सो दिस इज फॉल्स. ओके, सो बाय, टेक केयर. और ये सारी एक्सरसाइज आप अपनी वर्कशीट में, सॉरी नोटबुक में कंप्लीट करेंगे. ओके.